नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोरोना संकट के बीच सरकार ने दी मदद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 राज्यों में बांटा जा रहा अनाज। देश में कोरोना के चलते हाल बेहाल बना हुआ है। महामारी की वजह से लोगों को भारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। वहीं लोगों को भूखा ना सोना पड़े, इसलिए उनकी मदद के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 राज्यों में अनाज बांटने का कार्य जोरों पर चला रही है। भारत में तबाही मचा रहा कोविड का डबल म्यूटेंट वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब। WHO ने जानकारी दी है। भारत में पाया जा रहा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओरिजिनल वायरस की तुलना में आसानी से प्रसारित होता है। ये भी आशंका है कि संभवतः नए वेरिएंट ने वैक्सीन से बचाव के लिए भी कुछ प्रतिरोध विकसित कर लिया है। ऐसे में WHO ने इसे वैश्विक स्तर पर चिंता के विषय के रूप में वर्गीकृत किया है। दिल्ली में कम हो रहे हैं कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 12,481 मामलों की पुष्टि। संक्रमण दर 17.76% पर पहुंचा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट गिरकर 17.76% पर पहुंच गया है, जो 14 अप्रैल के बाद सबसे कम है। यूपी के कई जिलों में कल से खुल सकती है शराब की दुकानें। नोएडा गाजियाबाद में आज से ही बिक्री शुरू। कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। इस बीच नोएडा और गाजियाबाद में आज से ही शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जबकि अन्य कई जिलों में बुधवार से इन्हें खोला जा सकता है। गिरफ्तारी पर पप्पू यादव बोले, नीतीश कोरोना संक्रमित कर मुझे मरवाना चाहते हैं। RJD कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बिहार में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन लागू है। संकट के बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप है। अब बिहार के कई नेताओं ने इस मसले पर राज्य सरकार को घेरा है। CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को बताया कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने का फॉर्मूला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है। कुछ दिन की वैक्सीन दिल्ली में बाकी है। कई राज्यों में वैक्सीन ना होने की वजह से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ। देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में 2 साल लग जाएगा। नोएडा में मीडिया कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप शुरू। NBA ने CM योगी को कहा धन्यवाद। मीडिया कर्मियों को वैक्सीन लगाने के लिए सोमवार से नोएडा में फिल्म सिटी के पास कैंप लगाया गया है, जहां मीडिया कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली के 7 वॉलेंटियर्स की मुहिम। प्लाज्मा डोनर की बनाई वेबसाइट बचाई 1500 जिंदगियां। दिल्ली में 7 लोगों के वॉलेंटियर्स की एक टीम ने प्लाज्मा डोनर को मरीजों के साथ कनेक्ट करवाने की जिम्मेदारी उठाई है और अब तक लगभग 1500 से अधिक डोनर्स को मरीजों के परिजनों से संपर्क करवा चुकी है। रेलवे पर कोरोना का कहर। 1952 कर्मचारियों की गई जान। रोज 1000 हो रहे संक्रमित। भारतीय रेलवे के मुताबिक देश भर में प्रतिदिन लगभग 1000 रेलकर्मी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। वहीं अब तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर 1952 रेलवे कर्मचारियों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा वैक्सीन की कमी के बीच दूसरे डोज वालों को दे प्राथमिकता। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वालों को राज्य सरकारें प्राथमिकता के आधार पर ये काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा दूसरे डोज लगाने वाले बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले देखने की आवश्यकता है। केंद्र कोविड वैक्सीन का फॉर्मूला लेकर अन्य सक्षम कंपनियों को भी दे, जिससे बड़े प्रोडक्शन। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस समय दिल्ली में लोगों को वैक्सीन देने की मुहिम तेज गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर भी सुझाव दिया है। तेलंगाना में कल से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को कोरोना के 4,826 मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान कुछ घंटों के लिए सभी गतिविधियों की छूट रहेगी। एयर इंडिया ने रोका कर्मचारियों का कोरोना टीकाकरण, दिया वैक्सीन की कमी का हवाला। एयर इंडिया के संचालन निदेशक RS संधु को लिखे एक पत्र में ICPA ने प्रबंधन के इस तरह के कैंप की व्यवस्था न करने की स्थिति में काम रोकने की भी धमकी दी। कोरोना वायरस के खिलाफ किसान सतर्क। लंगर के साथ प्रदर्शनकारियों को दिया जा रहा काढ़ा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि नजदीक में वैक्सीनेशन सेंटर है और जो टीकाकरण कराना चाहता है वह टीका लगवाने के लिए स्वतंत्र है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। कोरोना के चलते जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके लिए बड़ा ऐलान। बच्चों को स्कॉलरशिप और बूढ़ों को पेंशन। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी राशन कार्ड धारकों को राशन की आपूर्ति प्राथमिकता पर सुनिश्चित करें। साथ ही ओल्ड एज होम्स अनाथालयों को राशन सहित सरकार से मिलने वाले सभी सहयोग को बढ़ाया जाएगा। कोरोना से जान गंवाने वाले स्टाफ के परिजनों को फाइनेंशियल बेनिफिट देगी जामिया यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय ने कहा कि संबंधित कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर फाइलों का निष्पादन करने को कहा है, ताकि दिवंगत कर्मचारी के परिवार को जल्द से जल्द फायदा मिले। दिल्ली में 1,39,000 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। मनीष सिसोदिया ने बताया 18 साल से ज्यादा उम्र के 46% लोगों को लगी वैक्सीन। अगली खबर भी जम्मू से है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक्शन में सरकार। DRDO की मदद से बनवा रही 2 बड़े कोविड अस्पताल।
डीओ की मदद से जम्मू के भगवती नगर और श्रीनगर में एयरपोर्ट के पास 500-500 बेड के दो अस्पताल बनाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही हिंसा की वारदात। अब हुगली जिले में टीएमसी नेता कुमारी गोली अधिकारी ने कहा कि घटना स्थल पर पुलिस को तैनात कर आगे की जांच की जा रही है और बदमाशों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के विरोध में बंसबेरिया इलाके में कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखी 5 पन्नों की चिट्ठी। कहा, कांग्रेस संकट काल में भी कर रही नकारात्मक राजनीति। कोरोना संकट के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। जेपी नड्डा ने शिकायती लहजे में अपने पत्र में कहा है कि कांग्रेस पार्टी महामारी काल में भी नकारात्मक राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।